हेलो फ्रेंड्स, इन्फो मोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज चलते हैं सेक्टर 7-8 की डिवाइडिंग रोड पे। ये जो रेस्टोरेंट है ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। ये अपने फ्यूजन फूड और ऑथेंटिक टेस्ट के लिए बहुत फेमस है। तो ये देखिए, इस रेस्टोरेंट का नाम है हेलो हैदराबाद। ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। आइए अब चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, टेस्ट का मज़ा लेके देखते हैं कि इसके फ्यूजन टेस्ट में क्या खास है। जैसे कि आप बाहर देख सकते हैं, यहाँ पे आउटसाइड सीटिंग भी है। अगर आपको ओपन एरिया में अगर खाने का मज़ा लेना है तो आप यहाँ पे ओपन एरिया में भी बैठ के खा सकते हैं। जब आपका मौसम सुहावना हो तो आप यहाँ पे खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होएगा। तो आइए अब रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या खास है। हमारे बेसिकली ना 3-4 ब्रांड्स हैं। हम लोग हैदराबाद में सुरभि केटर के नाम से काम करते हैं। वहाँ पे हम लोग दक्षिण तड़का जो साउथ इंडियन केटरिंग करते हैं उसके नाम से ही होते हैं। दिल्ली, कलकत्ता, अब्रॉड भी हमारा थाईलैंड, दुबई, मलेशिया, सब जगह हमारा केटरिंग होती है। जो बड़े हाई लेवल इवेंट्स होते हैं सब में हम लोग आज के डेट में मोस्ट प्रिफर्ड साउथ इंडियन प्रोवाइडर हैं। तो वो मेन हमारा काम है। लेकिन ये अब इसमें हम लोग जो अच्छी अच्छी आइटम्स है सारी हम लोग इसमें कवर अप कर रहे हैं। धीरे धीरे आइटम्स बढ़ा भी रहे हैं और एरिया के हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट और हमारे ऑथेंटिक फ्यूजन जो प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे देख सकें। तो अभी इस रेस्टोरेंट को आपको स्टार्ट करने में कितना टाइम हो गया? हमने इसको फरवरी 1 को लॉन्च किया था जब कोरोना का टाइम चल रहा था। तो उसके बाद से तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। हाँ, चल रहा है प्रॉब्लम, लेकिन क्या है, साथ के साथ काम हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई एफर्ट्स से हमारे लगा रहे हैं, जो भी कोशिश है चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम लोग पहले ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे हमारा रेस्पॉन्स ज़बरदस्त था। अब हमने ऑनलाइन स्विगी, जोमेटो और हमारे और रेस्टोरेंट भी डिलीवरी कर रहा है, तो हम लोग उस पार्ट को बढ़ा रहे हैं, तो हमें उस पर भी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो चलिए फिर मैं आपको अच्छे अच्छे आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको टेस्ट कराता हूँ। आप बैठिए। तो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, प्लीज़ अपनी कोई जो है स्पेशल डिश के बारे में मेरे को बताइए, जो मैं अभी पहले जो है मैं इसको टेस्ट करके देखना चाहूँगा। स्पेशल डिश में आपको पहले मटका देवी, हमारे एक पनीर डोसा है वो खिलाता हूँ। फिर हमारे जो सबसे ज़्यादा टेस्टी और जो पूरे फेमस है, जिसके लिए हम लोग पूरे इंडिया में जाने जाते हैं, एक थाट इडली है, पिज़्ज़ा डोसा है, एक नेटसी कबाब डोसा है, एक वॉल्केनो डोसा है। मैं आपको तीनों चारों आपकी टेस्ट कराता हूँ, तो आपको धीरे धीरे वो टेस्ट कराएंगे। आइए। इसके अंदर क्या है, मटका ग्रेवी है ये। इसके अंदर ग्रेवी आपकी पूरी है, पनीर के साथ लगा हुआ होता है। पूरा चीज़ से हम लोग डेकोरेट करके देते हैं इसको, साथ में चटनी सांभर और वो तो रहती है। आप खा के देखिए। तो ये मटके के अंदर ही खाना होता है इसको? वैसे मटके के अंदर आप ऊपर का इसका जो क्रिस्पी पार्ट है वैसे खा के, फिर उसके बाद यहाँ प्लेट में रख के इसको सारी ग्रेवी इसके अंदर डाल के फिर आप चटनी सांभर के साथ खा सकते हैं। तो ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया। हाँ। और मैं जो इसके अंदर जो स्टफिंग है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, स्टफिंग कर सकते हैं या फिर मैं इसको स्टफिंग को इसके अंदर डाल के यूज़ स्टफिंग भी डाल के खा सकते हैं, आप स्पून के थ्रू भी खा सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट। अच्छा, ये दिखने में तो बहुत क्रिस्पी लग रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ खाने में बहुत टेस्टी होएगा। आप खा के देखिए। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर मैं देख सकता हूँ कि इसमें ये पनीर भी है और ये क्या क्या, पर इसमें जैसे प्याज वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें स्टफिंग डली। पूरी आपकी ग्रेवी होती है, इसमें पनीर होता है, वेजिटेबल्स होते हैं और बहुत सारे के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जो आप खाइए आपको अच्छा लगेगा। ये तो इसमें आलू पनीर वगैरह अभी हमने रिसेंटली लॉन्च करी है, बहुत ज़्यादा फेवरेट आइटम है यहाँ के कस्टमर्स के। ये तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं अभी टेस्ट करके देखता हूँ। तो इसको किसके सांभर के साथ खाते हैं या फिर चटनी वगैरह के साथ? आप खाइए पहले, फिर उसके बाद आपको मतलब सांभर, चटनी, सांभर, मतलब वो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से खाई जा सकती है। सुपर। मैंने इससे पहले कभी भी इस तरह का खाना नहीं खाया ये, बल्कि जो चाइनीज़ जो स्नैक्स मार्केट में मिलते हैं उससे बहुत बेटर है। इसको आप कैसे भी खा सकते हैं, आप इवनिंग में भी खा सकते हैं और इसको नाइट में डिनर के लिए भी ले सकते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक के साथ भी इसके साथ ले सकते हैं। क्या पनीर ग्रेवी होने के कारण क्या है, इसमें नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं हमारे पनीर बहुत लाइक करते हैं, तो उसके हिसाब से ये पनीर भी हो गया, एक पेट को फुलफिल कर भी करता है। अगर 2 या 3 भी आते हैं तो वो एक में ही उनका पेट भर सकता है, इतना ज़्यादा आपका इसके अंदर ग्रेवी और वो रहता है, आप खा सकते हैं। तो ये जो डोसा है ये कौन सी, इसमें जो आपने चावल का बनाया है या फिर? चावल उड़द दाल का ही होता है डोसा पर। अच्छा, तो मतलब ये हेल्दी है, इसमें मैदा वगैरह कुछ नहीं, भी नहीं? मैदा वगैरह, मैदा तो वैसे भी कहते हैं ना हाइजीनिक नहीं होता है पेट में आपका, मैदा वगैरह कुछ नहीं होता। मैं अभी एक और चम्मच लेके इसको टेस्ट करके देखता हूँ। आप चटनी के साथ लगा के खाइए, मज़ा आएगा। ये तो मैंने ऐसा आज से पहले कभी भी साउथ इंडियन फूड नहीं खाया, अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब की बार मैं चटनी और इसे सांभर के साथ इसको खा के देखता हूँ कैसा लगेगा। मैंने इसको चटनी के साथ लगाया,
एक ये हमारा एक और डिश है जिस नेचर डिश है जो हमारी 23 साल से सबसे ज़्यादा फेवरेट है, हमारे हैदराबाद में भी बहुत फेवरेट है ये। और इसको इसके लिए हमें जितने भी बड़े बड़े केटरर्स हैं और जितने भी यहाँ कस्टमर्स हैं, एक बार हमने जिनको टेस्ट करा दिया, इसको हम पिज़्ज़ा डोसा बोलते हैं। पिज़्ज़ा डोसा, इसमें क्या है, डोसे की आपकी बेस पे सारा आपका पिज़्ज़ा का स्टफिंग होती है, चीज़ वगैरह सब होता है। तो जो इसकी जो पिज़्ज़ा की जो बेस है, ये पिज़्ज़ा डोसा की, ये इसको डाल लीजिए, जो पिज़्ज़ा की जो डोसा की जो बेस है, ये किसकी, ये भी उड़द दाल चावल की बनी, ये चावल की और उसकी रहती है, लेकिन एक हैदराबाद में हमारे एक खास हमारे पास सिस्टम है जिसके कारण ये क्रिस्पी रहता है। आप कहीं पे भी डोसा खाएंगे, कहीं पे क्रिस्पी नहीं मिलेगा, ये क्रिस्पी मिलेगा आपको, आप खाके देखिए। तो इसमें भी मैं चिली फ्लेक्स वगैरह जैसे यूज़ करके, या फिर इसको मैं प्लेन भी खा सकता हूँ डोसा। हाँ जी, हाँ जी। अब हमारे कस्टमर्स को इसको प्लेन ही खाते हैं, कहीं सांभर मांगते हैं, वो अपना टेस्ट है सबका। तो वैसे तो ये मेरे को अच्छी चीज़ लग रही है, क्योंकि ये हेल्दी भी लग रहा है, क्योंकि पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो मैदे का होता है, ये आपका उस कारण, मतलब कई जाने तो इसको इसीलिए प्रेफर करते हैं। तो ये मतलब क्रिस्पी रहेगा खाने में, या जब पिज़्ज़ा की तरह जो क्रिस्पी रहेगा, प्लस वही स्टफिंग रहेगी जैसे आप डोमिनोज का थिन क्रस्ट खाते हैं, उस तरीके का आपको टेस्ट भी मिलेगा इसमें। और हम लोग कुछ इसके अंदर अपनी साउथ इंडियन की कुछ हमारे ट्रिपिकल रेसिपीज़ हैं जो इसके अंदर हम लोग डालते हैं, जिसके कारण आपको अलग भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। तो देखते हैं आपका ये पिज़्ज़ा डोसा कैसा बना है। आप कह रहे हैं कि इसके लिए जो आपका, हम लोग पूरे इंडिया में क्या समझ लीजिए, हम लोग केटरिंग मलेशिया वगैरह भी करते हैं, दुबई करते हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट, अच्छा, वहाँ पे भी चलता है, सबसे ज़्यादा ये चलता है। हाँ जी, जी। तो मैं इसकी अब एक स्लाइस जो है इसकी टेस्ट कर लेता हूं ना आराम से। हाँ जी, अब ये थिन क्रस्ट है, ये ऐसे आप खा रहे हैं तो मतलब कोई भी डोसा होगा एकदम सॉफ्ट पड़ जाता है, ये नहीं सॉफ्ट होता है, बहुत टेस्टी है। और पूरे वेजिटेबल्स होते हैं इसमें, चीज़ है, और चीज़ भी हमारे यहाँ चीज़ हो, बटर हो, सिर्फ अमूल का या फिर कर्नाटका से हमारा स्पेशल आता है वो ही यूज़ होता है। पूरा हमारा आरओ का प्लांट है, हमारा जहाँ पे ये सारा प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आरओ का प्लांट लगा हुआ है। हम लोग आईजो 9001 कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट है हमारा तो पूरे स्टैंडर्ड्स और पूरे जो भी WHO के सैनिटाइजेशन और प्रोटोकॉल्स जो भी हैं वो सब फॉलो किए जाते हैं हमारे। तो मैं एक बार इसको जो है सांभर से भी टेस्ट करता हूं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं, तो हम लोग क्वालिटी जो रहती है हमारी उसी में A+ क्वालिटी रहती है, कोई भी प्रोडक्ट हो हर चीज़ में स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया, और ये खाने में आपको ये पिज़्ज़ा डोसा से भी बेटर, पिज़्ज़ा डोसा जो है ये पिज़्ज़ा से भी बेटर लग रहा है मेरे को, और साथ में ये हेल्दी। अब आपको एक और स्पेशल आइटम है हमारी थाल इडली, वो जिसके लिए मतलब यहाँ आज थाल इडली है, एक हैदराबादी आपको टेस्ट कराता हूँ, दोनों के दोनों आइटम आपको देखिए, ये हमारे सिग्नेचर है। इसके अलावा हमारे पास 70-80 प्रोडक्ट्स और हैं। तो ये आपका जो रेस्टोरेंट है ये किस टाइम पे ओपन होता है और किस टाइम पे क्लोज होता है? सवेरे 11 बजे से लेके रात के 10:30-11 बजे तक रहता है, कई बार अभी जैसे रिस्ट्रिक्शंस है कोरोना की तो 10 बजे तक रहता है डाइनिंग। अच्छा। वैसे हम लोग पार्सल्स वगैरह 10:30-11 तक भी करते हैं, वो वैसे अभी ये है, आगे प्लानिंग ये है कि सैटरडे संडे को भी शायद हम लोग मॉर्निंग में खोलेंगे, कस्टमर्स की हमारी डिमांड है कि क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम पे साउथ इंडियन अच्छा चलता है, तो वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं जैसा भी रहेगा। तो आप मुझे बताइए, आपकी 7 डेज ओपन रहती है शॉप? हमारी 7 डेज ओपन है, 11 to 11 अपना मेन बेसिक टाइम है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से 10 बजे तक चल रहा है, इसलिए 10 बजे तक ही करते हैं हम लोग। तो अब इसके अंदर क्या आप मेरे को थोड़ा सा बताएंगे, ये आपका ये जोमेटो स्विगी और आप इसके अंदर कैसे कस्टमर को सप्लाई करते हैं? जोमेटो स्विगी का तो खुद का सिस्टम जो है उससे जाता ही है, अगर आसपास के 3 किलोमीटर का कस्टमर है या 4 किलोमीटर तक भी कस्टमर है तो हम लोग उनको रेस्टोरेंट के थ्रू भी डिलीवरी कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ से भी डिलीवरी होती है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी आइटम टेस्ट कीजिए, हमारी थाट इडली है, ये हमारी कर्नाटका की स्पेशल इडली है, आपको पूरे दिल्ली में क्या पूरे नॉर्थ इंडिया में मतलब नहीं मिलेगी ये, वहाँ पे बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर एक गाँव है बिददी, वहाँ का प्रोडक्ट है ये, वहीं से हमारा बंदा आता है बनाने के लिए। इसमें क्या है, इसका थोड़ा सा स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें, साथ में हम लोग कर्नाटका से घी मंगाते हैं, वही इसमें गाय का घी डाला हुआ था इसमें, और 2-3 तरीके के मसाले होते हैं जो डाल के हम लोग देते हैं, गन पाउडर होते हैं। अब खा के देखिए, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो भी, उनकी भी बहुत फेवरेट आइटम है। अच्छा, थाट इडली बोलते हैं इसको, थाट मीन्स बड़ी प्लेट इडली। अच्छा, तो मतलब देखने में तो बड़ा लग रहा है काफी, ये एक प्लेट में ये 2 पीस होते हैं, हम लोग उसको 4 करके देते हैं क्योंकि बड़ी है तो 4। अच्छा, पीस देते हैं। तो ये इसमें जो मसाला मेरे को लग रहा है ये खाने में जो है बड़ा टेस्टी लग रहा है, देखिए आपको मजा आएगा खाने में। ऐसी इडली मैंने आज तक नहीं खाई, एकदम सॉफ्ट रहेगी, आप क्या मुंह में डालेंगे घुलेंगे, मुंह में डालते एकदम घुल गए, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इडली खा रहा हूँ, मतलब बहुत सॉफ्ट भी है और
कहाँ चले गए ये भी नहीं पता लगा। अब मैं आपको एक हैदराबादी हमारी एक आइटम है वो खिलाता हूँ, वो भी है। ये हमारा हैदराबादी बटर मसाला डोसा है, इसमें आलू नहीं होता है, इसमें स्टफिंग अलग होती है और इसमें मतलब वेजिटेबल्स है और आपका उपमा है और कई चीज़ें होती हैं और बहुत क्रिस्पी और बहुत शानदार होता है हमारा। 24 घंटे हैदराबाद में खाया जाता है और हम लोगों ने जितने कस्टमर्स को यहाँ मसाला डोसा खाने आए थे हमने उनको रिकमेंड किया तो आज वो आके यही डोसे को मांगते हैं। तो यहाँ का भी ये बहुत मोस्ट फेवरेट आइटम्स हो चुकी है, हैदराबादी बटर मसाला डोसा बोलते हैं इसको। दिखने में तो इसके इंग्रेडिएंट जैसे टमाटर, प्याज, धनिया और भी क्या क्या डाला है इसमें, आलू की स्टफिंग और मसाले डाले होते हैं। आलू नहीं होता है इसमें, आलू नहीं होता है इसमें, आपकी सूजी होती है, आप उसका पूरा स्टफिंग होता है, हमारा एक पैटर्न है उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। ये हमारी बहुत फेवरेट आइटम है, आप खा के देखिए आपको अच्छा लगेगा। देखता हूँ ये हैदराबादी बटर मसाला कैसा है खाने में, तो इसको मैं चटनी से खाना। हाँ, ये चटनी के साथ खाते हैं इसको, आप सांभर भी खा सकते हैं। वैसे बेसिकली हमारे हैदराबाद में तो ये सिर्फ चटनी के साथ खाया जाता है, लेकिन यहाँ सांभर लाइक करते हैं तो हम लोग सांभर भी देते हैं इसके साथ। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका भी। तो ये जो डोसे की जो स्पेशलाइजेशन है हैदराबाद का आपने बताया, तो मैंने तो वैसे दिल्ली में कम ही रेस्टोरेंट्स में देखा है ये सब चीज़ें मिलती हो, तो आपके पास जो ये अलग से कलेक्शन है तो ये खाने में तो बहुत अच्छी लग रही है। मतलब बहुत ऐसी आइटम्स हैं हैदराबाद की हैं, कुछ कर्नाटका की हैं जो यहाँ पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिलती है। मैं आपको अब कोकम जूस देता हूँ साथ में, ये बहुत ज़्यादा हेल्दीस्ट ड्रिंक है। मतलब कोकम एक फ्रूट है जिसका हम लोग ड्राई करके मंगाते हैं और फिर उसको बनाते हैं सोडा और इसके साथ दे के, आप इसके साथ पीजिए आपको मज़ा आएगा और साथ में हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और टेस्ट में आपका जैसे फालसा होता है खट्टा मीठा, वैसा ही टेस्ट होता है इसका। और मतलब गर्मी के अंदर पेट के लिए बहुत अच्छा है, सुपर। हाँ। ये टेस्ट में ये भी बहुत स्पाइसी है, खाने में मज़ा आ रहा है डोसा भी, और ये पी के तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं लोग ड्रिंक्स पीते हैं कोको कोला वगैरह इसकी जगह, ऐसे ही हम लोग मसाला शिकंजी बनाते हैं वैसा वो भी ऐसे ही है। हम लोगों की कोशिश ये रहती है कोई भी चीज़ जो बाज़ार में मिलती है, देखो जो कस्टमर मांगता है वो तो हमने देनी है, उसके साथ में हम लोग कोशिश करते हैं कुछ एक्स्ट्रा दें, कुछ कस्टमर को ऐसा टेस्ट दें जो उसने यहाँ पर कभी दिल्ली में आसपास कहीं नहीं टेस्ट किया हो। तो हमारी कोशिश रहती है वही प्रोडक्ट में, हमारे सब प्रोडक्ट में आपको वैसा मिलेगा। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जैसे हमारा स्पेशल जो हॉट आइटम्स हैं 30 आइटम्स हैं हमारी, उसका मैं आपको PDF और आप फोटोग्राफ्स वगैरह दे दूंगा, आप अपने लिंक में डाल दीजिए जिससे कस्टमर को पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं ये। अब जैसे एक वेज ये शिकंजी आ गई, आप ये भी टेस्ट करके देखिए, मसाला शिकंजी है। जैसे अब शिकंजी हमारे घरों में की जाती है गर्मी के लिए, नींबू होता है इसमें और इंग्रेडिएंट्स हमारे सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर, जो आप पी के देखेंगे आपको पता चलेगा, वो बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। और ये कस्टमर के आज की डेट में सबसे लाइक करने वाले प्रोडक्ट्स हैं हमारे, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम लोग साउथ इंडियन में फिल्टर कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी है, रसम है, वो सब चीज़ें तो कॉमन है, वो आपको मिल जाएंगी हर जगह, लेकिन ये आइटम्स आपको कम मिलेंगी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं मिलेंगी, कम मिलेंगी। तो वैसा हमारे हर प्रोडक्ट में आपको दिखेगा। वेज दम बिरयानी है दिल्ली में बहुत जने बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो हैदराबादी वेज दम बिरयानी है उसका स्टाइल ही अलग है। उसके सलन के साथ हम लोग देते हैं, साथ में रायता देते हैं, तो वो भी आप खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। मैं आपको अगला प्रोडक्ट वो दिखाता हूँ, आप वो भी खा के देखिए। अब ये बिरयानी आप टेस्ट कीजिए, इसमें पूरा वेजिटेबल होती है और इसमें दम करके बिरयानी में ना हम लोग तड़को लगाते हैं, दम लगाते हैं, तो इसके के अंदर टेस्ट आपको बोलेगा। अब आप बिरयानी बहुत खाते होंगे, मैं किसी को अच्छा ख़राब नहीं बोलता, लेकिन जो हमारा हैदराबाद का टेस्ट है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है वैसी बिरयानी है, वेज में, टोटली वेज में बनी हुई है। इंग्रीडियंट्स इसमें भी हमारे गाय का घी है और जहाँ रिफाइंड यूज़ होता है वो भी हम लोग वो सस्ते वाला रिफाइंड यूज़ नहीं करते हैं, हम लोगों का या तो कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ होगा या फिर उसके अंदर जो मोस्ट प्रेफर्ड रिफाइंड ऑयल है जो मतलब क्वालिटी में अच्छा हो वो यूज़ होता है। तो ये इसमें राइस ब्रांड के थ्रू हम लोग वो करते हैं और घी में बनी हुई है। तो ये इसके अंदर आपने ये एक रायता दिया। हाँ, ये रायता है और ये सालन मिर्ची का सालन होता है, इसके अंदर मूंगफली और मिर्ची का सालन बनता है। एक तरीका ये आपको टेस्ट देगा वो आपका रायता। मतलब ये क्या, ये चटनी टाइप है या फिर चटनी नहीं, आप जैसे सब्जी की कोई तरी होती है उस हिसाब से आप खा के देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वेजिटेबल्स इसमें होती है, आप तरी डाल के खाते हैं तो लोगों का टेस्ट वैसा डेवलप है। हैदराबाद में हमारे यही ऑथेंटिक स्टाइल है जो आज 100 साल पहले 50 साल पहले से दिया जा रहा है। आप खा के देखिए आपको पता चलेगा और आपको फ्रेग्रेंस आएगी इसके अंदर, पता चलेगा कि हाँ बिरयानी। हाँ, खा के देखिए। सच में मैंने ऐसे कभी भी पहले
मैं फिर से यही बात कहूँगा, नहीं फिर हैदराबाद में जैसा आपको बिरयानी मिलती है अच्छी जगह जहाँ मिलती है वैसा ही टेस्ट रहेगा हमारा। और ये आज से नहीं, हम लोग 23 साल से ऐसे ही बिरयानी खिला रहे हैं। और चंबन में सुपर टेस्ट है, मतलब ऐसे कुछ और आइटम्स हमारी और भी कुछ आइटम्स हमारी, जैसे अभी कोरोना की वजह से हमारे बाहर ना चाट्स की लगती हैं, पाव भाजी है मुंबई की वड़ा पाव है, कैलकटा की कुछ अच्छी आइटम्स है, पुचका है, घुगनी चाट है कैलकटा का हमारा, और जैसे एक दो चाट और आपको कैलकटा की मिलेगी, दिल्ली की कुछ हम लोग अच्छी चाट भी देते हैं, भेलपूड़ी है आपका, झालमुड़ी है। तो हमारे पास कोशिश ये है कि फुल एंड फाइनल जो आपको कस्टमर को एक नया एक्सपीरियंस मिले, खाने में उसको टेस्ट मिले, क्वालिटी मिले, और यही मार्क हमने अपने मेनू में भी शो किया हुआ है। आपने देखा नहीं शायद, मैं आपको बताता हूँ, हाईलाइट कराता हूँ ये, मैं आपको मेनू और वगैरह सब आपको आपके लिंक में डालना है तो मैं डलवा दूंगा, आपको दे दूंगा। अब इसमें हमने दिया हुआ है हमारा क्वालिटी, सर्विस, स्टैंडर्ड, क्लीनिनेस, वैल्यू फॉर मनी, ये पांचों चीज़ें आपको यहाँ ऑलरेडी डल रही होगी। ये QSSCV हमारा मेन मोटिव है काम करने का, और ये हमारी ISO 9001 कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी, उसमें HACCP सर्टिफाइड लाइसेंस हमने सब लिए हुए हैं। तो हमारे पास पूरा प्रॉपर सिस्टम से काम हम लोग शुरू से करते आए हैं, वैसा ही करते रहे हैं। तो जैसे आपके यहाँ रूट बेसिस के अंदर अपने कुछ जैसे फूड्स बनाते भी हैं या फिर खाली? हमारे पास रूट बेसिक्स में तीन काम है, कंपनी तीन काम करती है हमारी, एक केटरिंग का काम है हमारा, दूसरा रेस्टोरेंट ये वाला, और तीसरा कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे। हाँ, तो वो हम लोग ऑनलाइन वगैरह और जो सोशल मीडिया के थ्रू बेचते हैं, यही तीन प्रोडक्ट हमारे काम है इस कंपनी के। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चावल खाने में, और भी बहुत आइटम्स हैं लेकिन मैं आपको अभी इतने आइटम्स अब जैसे अब खा चुके हैं तो और भी बहुत सारी आइटम्स हैं, वो फिर मैं आपको आपके जो प्रेजेंटेशन है हमारी PDF की वो दे दूंगा, आपको मेनू दे दूंगा, जिससे कस्टमर को पता चल सके, वो एक्सपीरियंस कर सके यहाँ पे आके खाने का कि क्या स्वाद है, क्या स्टैंडर्ड दे रहे हैं हम लोग, क्या है वो जब एक्सपीरियंस करेंगे या प्रोडक्ट देखेंगे जब मालूम चलेगा। थैंक यू। चलिए देखते हैं कि कस्टमर के साथ की एक्सपीरियंस क्या है इस वाले फूड का। तो सर एक बार बताएंगे आपको ये फूड कैसा लगा आपने ये टेस्ट किया तो? सर फूड अच्छा है और मेन है क्रिस्पी है, स्टफिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। अच्छा टेस्ट है, तुम जाते हैं कई बार अच्छा टेस्ट। तो बात ये आती है वो हाइजीनस की, हाइजीनिक है, स्टफिंग अच्छी है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, और वैल्यू फॉर मनी। अगर टेस्ट के बारे में बात की जाए, प्राइस अगर थोड़ा भी हाई हो कोई इश्यू नहीं होती, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, स्कोर सबसे बेस्ट लगा, और थोड़ा हाइजीनिक होना चाहिए। मैं हाइजीनिक होना चाहिए वैसे भी, प्राइस भी बहुत बेटर है, ये जनरल ओपिनियन बता रहा हूँ मैं आपको अपना, जितने भी मैंने आसपास जितने भी अपना मेन है स्टफिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, कंपेयर किया जाए तो मेरे को बेस्ट लगा। अच्छा अभी तक, क्योंकि जनरली जब भी हम डोसा वगैरह देखते हैं तो किसी में भी इतनी स्टफिंग देखी नहीं मैंने आज तक कि कोई इतना स्टफ करके दे। सबसे बड़ी बात है स्टफिंग दी है, क्वालिटी प्रोडक्ट से अच्छा टेस्ट है। अगर मैं कंपैरिजन करूं सागर रत्ना और अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट साउथ इंडियन, तो मैं इससे कंपेयर कर सकता हूं। ओके, यू विल प्रेफर दिस फूड। ओके, तो कोई आपका जो यहां पे फेवरेट जो आपका फूड? फर्स्ट टाइम ही आया हूं मैं तो, बाकी मेरा फ्रेंड पहले भी आया हुआ है। हाँ, आज मैंने ट्राई किया पनीर आलू डोसा, पनीर आलू डोसा मेरे को बेस्ट लगा, कोई इश्यूज नहीं है। अच्छा, और पिज़्ज़ा डोसा भी आपने कभी टेस्ट किया? मैंने सुना है आपके पास भी प्लान किया, नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके सर, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल फीडबैक। ओके, थैंक यू। 32% आ सकते हैं बाहर, 14-16% बाहर भी बैठ सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे किटीज, मिनी किटीज जो लेडीज़ की होती है वो भी आती रहती हैं, तो कोई छोटा फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, वो भी हम लोग कई बार कर देते हैं, तो उसके अंदर आपको फुल एंड फ्लैश यहाँ पे सीटिंग आइटम हो गई। यहाँ हमारा ये छोटा सा हमने एरिया बनाया हुआ है, हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो हमने लगाए हुए हैं, इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर लगाएं, लेकिन अभी तक हमें टाइम ही नहीं मिल पाया ये छोटे प्रोडक्ट्स हमने लगाए हुए। ये हमारी किचन है, इसमें सारा हमारी प्रोसेसिंग होती है। जो मेन हमारी हब किचन है वो हमारी बाटी इंडस्ट्रियल एरिया में जो यूनिट है, जहाँ पे बड़े बड़े हमारे ग्राइंडर और जहाँ पे सारा प्रोसेसिंग होता है वो अलग है। ये हमारी प्रिपरेशन एरिया है जहाँ पे सारा हमारा गर्म खाना बन के चलता है। पूरा यहाँ पे भी देखिए आरओ लगा हुआ है, पूरा जो भी पानी है हमारा सारा फूड में यूज होता है वो आरओ पर आरओ पर।
स्क्रीनशॉट है।